हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा होंडा एक्टिवा 125 के बारे में कि इसका एक्सेलरेट मतलब बढ़ेगा तो नहीं, मतलब जैसे अपन शोरूम से नई गाड़ी लेके आते हैं तो कैसे मतलब बहुत अच्छी चलती है, बाद में से थोड़ी मतलब वैसे थोड़ी हार्ड हो जाती है मतलब रेस देने पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी गाड़ी को फिर से नया जैसा कर सकते हैं, जैसे आप शोरूम से लाए थे उसका जैसे चलती है। तो ये मैंने अपने ये 8400 पे करवाया था, मैं अपनी ये 125 मैं इस पर करवा चुका हूँ। अब मैं होंडा एक्टिवा वन वो सॉरी मैं अपनी होंडा एक्टिवा पे करवाऊँगा तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगा, मैं आपको आप मेरे चैनल पे देख लेना। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो रोलर होते हैं ना जो क्लच के अंदर, उस पर मैंने ग्रीस लगवा दी और ऐसे किक पे भी लगवा दी ग्रीस, तो किक तो बहुत सॉफ्ट हो गई है और ग्रीस लगा दी मैंने इनके रोलरों पे तो बहुत सॉफ्ट चल रही गाड़ी। मतलब पता नहीं चल रहा कि मतलब मैं ऐसा लग रहा मैं अभी गाड़ी उठा के लेके आया हूँ शोरूम से, मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी अपने मैकेनिक से बोल के इसके रोलरों में थोड़ी ग्रीस लगवा दीजिए, नहीं तो मैं अपनी वीडियो डाल दूंगा, आप उसको देख के लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।